हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि हमें रोमन रेंस का 1316 डेज का हिस्टोरिकल टाइटल रेन एंड होते हुए दिखा रेसलमेनिया 40 में, बट क्या वापस से रोमन रेंस आकर जीतने वाले हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप? आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूं बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि फ्यूचर में होने वाले WWE प्रीमियम लाइव इवेंट से जुड़ी क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है। इसके अलावा रोमन रेंस का रिटर्न कब हो सकता है, उससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है। तो गाइस, सबसे पहले हम रोमन रेंस के रिटर्न से जुड़ी अपडेट के बारे में कर लेते हैं बात। तो जैसा कि रोमन रेंस हमें लास्ट देखने को मिले थे रेसलमेनिया 40 में, जहां पर उन्होंने अपनी टाइटल ड्रॉप की थी, और उसके बाद से सभी यही वेट कर रहे हैं आखिर कब हमें रोमन रेंस आते हुए दिखने वाले हैं वापस। क्योंकि सभी को पता है कि अब जब रोमन रेंस का रिटर्न होगा तो वो एक काफी बड़ा रिटर्न होने वाला है। यानी कि जिस तरह से फैंस ने 2020 में रोमन रेंस का रिटर्न देखा था, वैसा ही कुछ रिटर्न वो इस बार भी कर रहे हैं एक्सपेक्ट। सो गाइस, जरूर न्यूज ने रोमन रेंस एंड समर स्लैम की GIF एक साथ पोस्ट किए, यानी कि यहां से वो यही बताना चाह रहे हैं कि रोमन रेंस मौजूद रहने वाले हैं समर स्लैम में। एंड भाई, फैंस तो ये एक्सपेक्ट कर ही रहे कि समर स्लैम के आसपास ही उनका रिटर्न होने वाला, यानी कि उससे पहले कि स्मैकडाउन में उनका रिटर्न हो सकता है या फिर वो हमें डायरेक्टली समर स्लैम में आते हुए दिख सकते हैं। अब आप सब बोलोगे भाई समर स्लैम तो बहुत ज्यादा दूर है, तो गाइस आप सबको बता दूं बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बिकॉज समर स्लैम हमें 3 अगस्त को देखने को मिलने वाला है, यानी कि लगभग 2 महीने का टाइम बचा है रोमन रेंस के रिटर्न के लिए। इसलिए भाई फैंस वेट करने के लिए तैयार है, बस वो यही चाहते हैं कि अब जब रोमन रेंस वापस आए तो उनका एक देखने को मिले हमें धमाकेदार रिटर्न। वैसे आपको क्या लगता है रोमन रेंस का रिटर्न कहां पर होने वाला है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ली जाए कि WWE के फ्यूचर में होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो आप सभी को पता ही है हमें रेसलमेनिया तो सैटरडे एंड संडे 2 दिन देखने को मिलता था, बट जो बाकी WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट होते थे वो पहले तो USA के हिसाब से संडे को होते थे एंड हमें देखने को मिलते थे मंडे को, बट लास्ट 1-2 सालों से WWE ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया एंड सैटरडे को उन्होंने करवाना शुरू कर दिया प्रीमियम लाइव इवेंट, जिसके वजह से इंडिया में हमें ये देखने को मिलने लगा संडे को। बट गाइस, आप सबको बता दूं एक काफी बड़ी बैड न्यूज निकल कर आ चुकी है कि WWE वापस से शिफ्ट होने वाली है संडेज पर, यानी कि इंडिया में आप सबको प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिलने वाला है मंडे को। क्योंकि UFC के प्रेसिडेंट डेना वाइट ने ये चीज कही है कि हमें फ्राइडे को देखने को मिलने वाला है पावर स्लैब, सैटरडे को देखने को मिलने वाला है UFC, संडे को देखने को मिलने वाला है WWE, और TKO ग्रुप के अंदर ये सारे स्पोर्ट्स आते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हमें अलग अलग दिन पर देखने को मिलने वाले है। इसलिए WWE का जो भी प्रीमियम लाइव इवेंट होगा वो अब आप सबको देखने को मिलने वाला है USA के हिसाब से संडे को। वैसे बहुत लोग ऐसे भी है जो कि संडे को सुबह नहीं उठना चाहते थे, तो उनके लिए तो ये एक अच्छी अपडेट है। आप किस साइड पर हो, यानी कि आप क्या चाहते हो इंडिया में हमें WWE संडे को देखने को मिले या फिर मंडेज को, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाएगी क्या रोमन रेंस वापस आकर फिर से बनने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। देन जैसा कि समर स्लैम में रोमन रेंस ने रिटर्न करने के बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी, उसके बाद वो WWE चैंपियन बने, यानी कि एक तरह से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने, और उनका फाइनली ये टाइटल रेन हमें एंड होते हुए दिखा रेसलमेनिया 40 में। लेकिन क्या रोमन रेंस के पास फिर से आने वाली है उनकी अनडिस्प्यूटेड टाइटल? तो अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े होंगे तो आप सबको पता ही होगा कि जेरो न्यूज ने ये अपडेट दिया था कि WWE के अभी के प्लान्स के अकॉर्डिंग अगले साल का रेसलमेनिया होने वाला है रेसलमेनिया 40 का रिपीट, यानी कि Night 1 और Night 2 दोनों ही नाइट्स हमें ब्लड लाइन ही करते हुए दिखने वाली है मेन इवेंट। और इस बार तो चलो सही था, WWE ने पहले टैग टीम मैच करवा लिया ब्लड लाइन रूल्स वाली स्टिपुलेशन के लिए, बट हर साल तो WWE ये चीज नहीं कर सकती, यानी कि अगर ये चीज फिर से WWE करती है तो वो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। देन एक ही और तरीका बचता है जिसके वजह से WWE दोनों नाइट पर ब्लड लाइन को कर सकती है बुक, वो ये है कि एक नाइट पर हमें देखने को मिले रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच, और एक नाइट पर देखने को मिले कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच या फिर रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। एंड इन दोनों में से किसी भी मैच को WWE Night 1 में करा सकती है, Night 2 में करा सकती है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है रोमन और रॉक के बीच हमें No. 1 कंटेंडर का मैच देखने को मिले, जो भी उस मैच को जीते वो Night 2 में फेस करे कोडी को चैंपियनशिप के लिए, नहीं तो फिर Night 1 में ही रॉक या फिर रोमन रेंस जीत जाए अनडिस्प्यूटेड टाइटल और वो Night 2 में जाकर डिफेंड करे एक दूसरे के अगेंस्ट। और इसके चांसेस काफी ज्यादा है कि एट दी एंड जो सुपरस्टार लीप करेगा रेसलमेनिया के Night 2 से एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वो होने वाले हैं रोमन रेंस, यानी कि रोमन रेंस हमें फिर से बनते हुए दिख सकते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एंड उनका न्यू टाइटल रेन हमें होते हुए दिखेगा स्टार्ट। इसलिए रॉक तो चलो एक तरह से एंटर हो ही जाएंगे अनडिस्प्यूटेड टाइटल के पिक्चर में, बट रोमन रेंस किस तरह से एंटर होते हैं, वो क्या रॉयल रंबल जीतते हैं या फिर कोडी रोड्स पर आकर डायरेक्टली करते हैं अटैक, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है रेसलमेनिया Night 2 से एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन बाहर निकलने वाला है अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो बनता है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।